बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन अलवा यमन का गवर्नर बनकर शहर में दाखिल हुआ। लोग इस्तकबाल के लिए उमड़ आए। लोगों का ख्याल था कि नया गवर्नर लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। मोहम्मद बिन अलवा ने सिर्फ एक जुमला कहा और अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। वो जुमला ये था, लोगों ये मेरी सवारी मेरी मलकियत है, इससे ज्यादा लेकर मैं वापस पलटा तो मुझे चोर समझा जाए। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का सुनहरा दौर था। मोहम्मद बिन अलवा ने यमन को खुशहाली का मरकज बनाया। जिस दिन वो अपनी गवर्नरी के माहो साल पूरा करके वापस पलट रहा था, लोग इनके फिराक पर आंसू बहा रहे थे। लोगों का जमे गफीर मौजूद था, उम्मीद थी के लंबी तकरीर करेंगे। मोहम्मद बिन अलवा ने सिर्फ एक जुमला कहा और अपनी तकरीर खत्म कर दी। वो जुमला ये था, लोगों ये मेरी सवारी मेरी मलकियत थी, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे पास इसके सवा कुछ नहीं।